हम लगातार बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे उनका ये संबोधन होगा और खुद पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया जिसपे इस बात की जानकारी दी गई। दरअसल सभी के मन में ये सवाल बना हुआ था कि अब 21 दिन की अवधि जो कल खत्म हो रही है लॉकडाउन की, उसके बाद सरकार का अगला फैसला क्या होगा। तो इसे लेकर अब जो तस्वीर है वो कल साफ हो पाएगी जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। हालांकि यहाँ पर कई सवाल सबके मन में है कि क्या लॉकडाउन दोबारा इसी सख्ती के साथ बढ़ेगा या लॉकडाउन को लेकर कुछ शर्तें हो सकती हैं, यानी कुछ शर्तों के साथ क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या फिर जिलेवार परिस्थिति कुछ अलग हो सकती है। किसानों को, मजदूरों को क्या कोई यहां पर रियायत दी जा सकती है। ये सभी सवाल बने हुए हैं, लेकिन जवाब के लिए आपको इंतजार करना होगा कल सुबह 10 बजे का जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और ये संबोधन इसलिए भी अहम होगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यानी हर कदम के बाद जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, देश और दुनिया की, फैसलों को भी उस हिसाब से बदलना होगा। और यही रणनीति इस वक्त जो है देश की सरकार की भी है कि कैसे इस तरह से कारगर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि कोरोना को मात देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हों। और इसी के मद्देनजर कल बड़े ऐलान के आसार हैं लॉकडाउन को लेकर क्या प्रधानमंत्री कहेंगे, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। तो एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि कल खत्म हो रही है, यानी जो प्रधानमंत्री ने 21 दिन का ऐलान किया था। और जब उस दिन प्रधानमंत्री ने स्पीच दी थी तो उनका यह कहना था कि आपसे कुछ हफ्ते मैं मांग रहा हूं और ये हफ्ते इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि देश को बचाने के लिए, कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़नी है उसमें सबको साथ आने की जरूरत है। 19 मार्च 2020 जब जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और फिर 24 मार्च 2020 जब 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। तो हमने आपको प्रधानमंत्री के ये जो दो पुराने बयान हैं वो भी सुनवाए। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त अशोक सिंघल और संजय शर्मा भी मौजूद हैं। संजय, देखिए स्टेप बाय स्टेप हर कदम के साथ सरकार ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। पहले प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, लोगों को इस बात के लिए तैयार किया, मेंटली तैयार किया कि हमें घर में रहने की जरूरत है। और उसके फौरन बाद 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान होता है पूरे देश भर में, जिसका पालन भी सख्ती से कराया गया देश भर में। यानी बड़े फैसलों के लिए जनता को तैयार करने के लिए एक सोची समझी रणनीति सरकार की तरफ से तय थी। अब कल का दिन भी इस पूरी कड़ी में एक अहम दिन साबित होने वाला है, यानी बड़े फैसलों के लिए देश को तैयार रहना चाहिए। वैसे भी प्रधानमंत्री के उद्बोधन को लेकर देश में इस तरह की बातें चलती हैं कि प्रधानमंत्री जब रात को संबोधन करते हैं तो दिन का टास्क देते हैं और दिन को संबोधन करते हैं तो रात का टास्क देते हैं। लेकिन इस बार अभी तक ये लग रहा है कि 21 दिन लोग घर में हैं लेकिन उम्मीदें और आकांक्षाएं बाहर निकल रही हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि 10 बजे का संबोधन है मंगलवार का, प्रधानमंत्री इसमें क्या ऐलान करने वाले हैं, क्या देश रणनीति अपनाएगा कोरोना को कुचलने के लिए, आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था, हमें याद रखना चाहिए, उन्होंने कहा था कुछ कड़े फैसलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन इस कड़े फैसलों में भी क्या नरमी है, क्या अगर कुनैन की गोली खिलानी है तो या तो आदमी सीधा खिला दे या फिर चाशनी में लपेट के खिला दे। तो प्रधानमंत्री ने अभी तक चाशनी में लपेट कर कुनैन की गोली खिलाई है लोगों को, ताकि जो मलेरिया है, जो कोरोना का मलेरिया है, उसे तुरंत डाउन किया जा सके और विषाणु को कुचला जा सके। उसके लिए लोग घर में बैठे हैं, लेकिन कभी उन्होंने ताली और थाली बजवाई, कभी उन्होंने दिए जलवाए। लेकिन अब सारे लोगों को यह लग रहा है कि चूंकि अब जरूरत यह है कि फसल कटने का समय है, अभी फसल नहीं कटी तो 15 दिन बाद फसल खेतों में बिखर जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे कहते हैं, का बरसा जब कृषि सुखाने, तो जब फसल कटने का सूख गई फसल, फसल पककर तैयार है, टाइम से उसे काटा जाना चाहिए। तो उसके लिए अब ट्रेन का अगर ऐलान होता है तो कहां कहां से कौन सी विशेष ट्रेनें चलेंगी, कैसे सत्यापन होगा कि कौन मजदूर है जिसे ट्रेन में
फसल काटने के लिए जाना है या कोई कारोबारी तो नहीं घुस गया उसके अंदर या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व तो नहीं घुस गए, इन तमाम चीजों की तस्दीक होगी। इसके साथ ही अगर हवाई यात्राएं भी शुरू करनी है तो क्या चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है? विशेषज्ञों से हमारी बात है, उनका कहना है कि जिस इलाके में अभी तक ना कोई केस आया, पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं जहां कोई केस नहीं आया, हो सकता है कि वहां पर रिलैक्सेशन ज्यादा दी जाए और जहां पर केसेस हैं वहां रिलैक्सेशन बहुत ही कम दी जाए। यानी कहां किसको दबाना है, कहां किसको ढीला छोड़ना है, ये अभी प्रधानमंत्री कल अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कुछ ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक पैकेज का ऐलान पहले भी किया था प्रधानमंत्री ने, आगे आने वाले समय के लिए क्या कोई नया पैकेज का ऐलान करेंगे या कुछ राज्यों को कुछ और रियायत दी जाएगी? इन तमाम चीजों पर लोगों की उम्मीदें तो बहुत ऊपर हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री अभी 3 बजे भी अभी एक मीटिंग चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तमाम मंत्रालयों के बीच, तो इसमें क्या राय बनती है तमाम राज्यों के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? बिल्कुल, देखिए राज्यों का संजय आपने जिक्र यहाँ पर किया और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री इससे पहले भी मुलाकातें करते रहे हैं और जो फीडबैक उनकी तरफ से आया वो लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर ही था। अशोक, मैं आपको भी यहाँ पर बातचीत में जोड़ना चाहूंगी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जिस तरह से सहमति इस पर जताई कि लॉकडाउन अभी इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है, उसे केंद्र फॉलो कराए, हम उसमें सहयोग देंगे, हम उसमें आपके साथ खड़े हैं, और 5 राज्य तो ऐसे हैं जो उससे पहले ही 30 अप्रैल तक का लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अपना फैसला जो है वो आगे दे चुके हैं। मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी, आपने जितने लोगों से बात की, जितने मंत्रियों से बात की, कितने तैयार हम एज ए सिस्टम, हम एज ए समाज इस वक्त हैं? लॉकडाउन में अगर थोड़ी ढील दी जाए तो क्या हम उसे गंभीरता से फॉलो कर पाने में कामयाब होंगे या उसका गलत फायदा उठाया जाएगा? देखिए लॉकडाउन, देखिए जहां तक ढील की बात है, एक जनरल ढील तो नहीं जाएगी, क्योंकि जो बात हो रही है कि कृषि किसानों की अगर बात है, कृषि क्योंकि फसल कटने का टाइम है तो वहां मजदूरों के लिए क्या किया जाएगा। दूसरा अगर बातचीत है मीनाक्षी, तो दूसरा है इंडस्ट्री को लेकर के, सबसे बड़ा कंसर्न ये कि आज अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, आर्थिक तौर से कैसे जो लोग कमर टूट चुकी है उनको कैसे ठीक किया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने, चाहे चीफ मिनिस्टर्स की बैठक हो, इस बैठक के पहले भी कहा था कि अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार कीजिए, मंत्रियों को भी बोला गया था कि अपनी अपनी लेवल पर रिपोर्ट तैयार कीजिए और नीचे लेवल तक फीडबैक मांगा गया था ताकि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, कहाँ पर क्या किया जा सकता है। बेशक चीफ मिनिस्टर ने अधिकतर यही राय थी कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, ऐसे हालात है इसमें ढील देना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ढील जहां तक बात है इंडस्ट्री और किसान मजदूर, इन तमाम चीजों में देखा जा रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसमें कैसे रियायत दी जाए, कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए, ये तमाम चीजें। और दूसरा कंसर्न मीनाक्षी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर बिल्कुल केसेस नहीं आए तो वहाँ पे कितनी ढील दी जाए, इन तमाम चीजों का विश्लेषण किया जा रहा है और प्रधानमंत्री लगातार स्टेट के साथ साथ अपने मंत्रालय और पीएमओ से भी लगातार टच में है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है और कैसे किया आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है ये। संजय अशोक, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन 21 दिन की जब ये अवधि खत्म हो रही है और ऐसे में आप कल जब प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं देश को, तो उससे पहले भी देखिए अलग अलग राज्य हैं जिन्होंने 30 अप्रैल तक ये अवधि बढ़ा दी है। अब इंतजार इस बात का है कि कल के दिन क्या होगा और क्या रियायतें किस स्तर पर दी जा सकती है, जिस बात का जिक्र अभी हमारे संवाददाता भी कर रहे थे उसे लेकर हमने एक ये रिपोर्ट तैयार की है। लॉकडाउन के सिर्फ 2 दिन बाकी, 14 अप्रैल को लॉकडाउन का आखिरी दिन, 15 अप्रैल को शुरू होगा लॉकडाउन 2। 14 अप्रैल के बाद कोरोना से जंग की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर चुके हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कई दौर की बैठकें कर चुके हैं और इन तमाम बैठकों में करीब करीब सभी की राय यही रही है कि हालात के मद्देनजर अभी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने संक्रमण रोकने के साथ साथ चौपट होती अर्थव्यवस्था का भी सवाल है और इसका इशारा वो चंद रोज पहले दे भी चुके हैं। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। पीएम मोदी की यह फिक्र उद्योग मंत्रालय की इस चिट्ठी में भी जाहिर हो रही है जो गृह सचिव के नाम लिखी गई है। ये महसूस किया जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने का अंतिम फैसला हो जाने के बाद कुछ और गतिविधियों को पूरे सुरक्षा बंदोबस्त के साथ
छूट दी जानी चाहिए ताकि आर्थिक हालात में सुधार हो और लोगों के हाथ में पैसा आए। तो माना यही जा रहा है कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा, लेकिन इसके दूसरे चरण में अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्रों में ऑक्सीजन फूंकने की कोशिशें भी साथ साथ की जाएंगी। मसलन मजदूरों को कृषि गतिविधियों तक पहुंचाने के कुछ विशेष ट्रेन बसें चलाई जा सकती हैं। दिहाड़ी मजदूरों के लिए नए राहत पैकेज का ऐलान भी हो सकता है। जरूरी सामानों के निर्माण से जुड़े कुछ और उद्योगों को छूट दी जा सकती है। केंद्र सरकार के फैसले से पहले ही कुछ राज्य सरकारों ने अपने अपने फैसले कर लिए हैं। ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, जबकि पंजाब में कर्फ्यू घोषित था, इसे 1 मई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में क्या होगा और कैसे होगा, इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे और बहुत मुमकिन है कि यह ऐलान आज ही हो जाए। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो सभी के मन में सवाल यही बरकरार है कि अब कल के दिन में क्या फैसला प्रधानमंत्री मोदी आम जनता के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे कि आखिर अब ये लॉकडाउन की अवधि जब खत्म हो रही है तो उसके बाद आगे की परिस्थिति क्या होगी। हालांकि एक एक करके सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं, सोची समझी रणनीति के साथ अब तक फैसले लिए गए हैं, लेकिन अब यहां से आगे का सफर पूरे देश के लिए क्या होगा ये देखना होगा। अब अशोक, यहाँ पर यह भी देखना होगा, 9000 के ऊपर अब तक संक्रमण के मामले जा चुके हैं और जिस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी साझा की गई, हर दिन करीब 15,000 सैंपल लिए जा रहे हैं। बीते पांच से छह दिनों की भी अगर बात की जाए, अब यहां पर सवाल ये कि जिस तरह से ये संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर जिलों के हिसाब से भी लॉकडाउन फॉलो कराया जाए, इसे लेकर फैसला लिया जा रहा है, या जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि जहां पर बिल्कुल भी संक्रमण के केसेस नहीं है, वल्नरेबल तो वो इलाके भी हैं। बिल्कुल, इसमें कोई तरह, ये सबसे बड़ा कंसर्न है सरकार का, राज्यों का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कि लगातार केस बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई भी जगह बहुत कम आपको दिखाई देंगी। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में लगातार बढ़े हैं, ओवरऑल कंट्री की बात करें तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, थमे नहीं है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जिसमें केसेस ना हुए हों, जिसमें डेथ ना हुई हो। तो कंसर्न सबसे बड़ा ये है, इन्हीं तमाम पहलुओं को देखते हुए तभी रिपोर्ट मंगवाई गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या अलग अलग मंत्रालय हो, जमीनी स्तर से रिपोर्ट मंगवाई गई है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। लॉकडाउन करना है तो कंप्लीट करना है, या रियायत देनी है, ढील देनी है, ढील देनी है तो कहाँ पे देनी है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी सरकार की यह है सुरक्षा। प्रधानमंत्री भी ये बार बार बोल चुके हैं और मुख्यमंत्री भी बार बार ये कह चुके हैं कि सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी लोगों की सुरक्षा है, जीवन की, कि वो सुरक्षित रहें, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। लेकिन अब सरकार के लिए दूसरा कंसर्न अर्थव्यवस्था को संभालना भी है। जिस ढंग से लोगों के लिए खाने की दिक्कतें हैं, मजदूरों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, गरीबों के लिए, वो भी सबसे बड़ा कंसर्न है कि उसको कैसे साथ साथ लेके चले। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ही सरकार आगे का कदम उठाएगी और प्रधानमंत्री कल जो 10 बजे घोषणा करने वाले हैं उसमें इन तमाम पहलू पर बात दिखाई देगी, उनकी घोषणा दिखाई देगी। पूरे देश को भी इंतजार इसी बात का है। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो कोरोना के मामलों में काफी हद तक काबू तो पाया गया है, लेकिन सरकार कई जोन में बांटकर कुछ छूट दे सकती है, ऐसी तस्वीर वहां दिखाई दे रही है। और ये कहा भी गया है कि 15 अप्रैल से कंस्ट्रक्शन के काम की इजाजत दी जाएगी, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से कि उन्हें केंद्र के फैसले का इंतजार है, जिसके बाद पूरी स्ट्रैटेजी सामने रखी जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकना, हर हाल में रोकना, इसके लिए मेडिकल टीम को बचाना, डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग का स्टाफ है, जितने टेक्नीशियंस हैं, इनको सुरक्षित रखते हुए कैसे हम इनको प्रशिक्षित करें, कैसे हम इन्हें पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट उपलब्ध करा करके इमरजेंसी सेवाएं, स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता की कमेटी इस पर कार्य करके त्वरित रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेगी, इस पर वह कमेटी या कमेटी कार्य करेगी। सभी मंत्रियों से इस बारे में कहा जा गया है कि 15 अप्रैल से वे अपने कार्यालयों में बैठें, सामान्य कामकाज को निपटाएं, अपने प्रभारी जनपदों में जो वहां पे शासन से जुड़ी भी केंद्र और प्रदेश सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनकी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ विभागीय कार्यों को संपादित करने की व्यवस्था करें। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका अनुपालन हर हाल में हो, इसको हम लोग
इसको लागू कर सकें। और सभी धर्म गुरुओं से भी मेरी अपील होगी कि कोई पर्व और त्योहार पब्लिक फंक्शन न हो, कोई सामूहिक आयोजन न हो, क्योंकि ये आयोजन बीमारी और संक्रमण को बढ़ा सकता है। इस दिशा इसके बारे में भी किया गया है। यूपी की तस्वीर अलग, लेकिन दिल्ली की स्थिति चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं और 1100 के पार यहां पर संक्रमण का आंकड़ा जा पहुंचा है। ऐसे में सरकार अलग अलग कदम भी उठा रही है महामारी से निपटने के लिए। हमने कई सारे और एरियाज बैठ के हमारी टीम्स ने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे जिनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाएगा आने वाले एक दो दिन के अंदर, और वहाँ भी बहुत सख्त तरीके से इसको ऑपरेशन शील्ड को लागू किया जाएगा। हम बड़े स्तर के ऊपर सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं जिसमें इन सारे एरियाज़ के अंदर, ये एक तरह से रेड जोन्स हैं सारे हमारे जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं, इनके अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर सैनिटाइजेशन, सड़कों के ऊपर सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू किया जाएगा। लगभग 60 मशीनों के द्वारा दिल्ली के सारे कंटेनमेंट जोन्स के अंदर और जो रेड जोन्स होंगे और हाई रिस्क जोन्स के अंदर हम लोग सैनिटाइजेशन का मैसिव प्रोग्राम कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपकी सेहत के लिए हम सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, जो भी प्रयत्न हम कर सकते हैं, जो भी दूसरे देशों से सीखने को मिलता है कि ये भी किए जा सकते हैं, वो सभी प्रयत्न हम कर रहे हैं। हम बने में लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन की अवधि कल खत्म हो रही है 21 दिन की, और इसके बाद अब आगे सरकार का फैसला क्या होगा, प्रधानमंत्री खुद इसकी जानकारी देश के साथ साझा करेंगे। क्या लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान होगा या फिर लॉकडाउन कुछ शर्तों के साथ बढ़ाया जाएगा, तो ये तमाम वो सवाल हैं जो अभी सभी देशवासियों के जहन में हैं, लेकिन जवाब प्रधानमंत्री मोदी के पास है। क्या किसानों और मजदूरों को भी किसी तरह की राहत दी जा सकती है? हवाई सेवाओं या फिर रेल सेवाओं को लेकर कोई रियायत हो सकती है? जो मजदूर फंसे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, क्या उन्हें लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है? किसानों को लेकर क्या फैसला लिया जा सकता है? तो ये तमाम वो बिंदु हैं जिस पर प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार हर देशवासी को है। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।